गुंडरदेही ब्लॉक के उचित मूल्य की दुकान में प्लास्टिक जैसे चावल मिलने का बड़ा मामला सामने आया। बता दें कि चैनगंज निवासी वीरेंद्र कुमार यादव हितग्राही वार्ड क्रमांक 15 का निवासी है, जो कि उचित मूल्य दुकान से चावल लेकर गया था। जब घर जाकर चावल देखा गया तो प्लास्टिक जैसे दिखने वाला चावल निकला, जिससे गुंडरदेही में हड़कंप मच गया। इसके बाद सेल्समैन को इस चावल की जानकारी नहीं थी। वहीं इस तरह प्लास्टिक चावल मिलने से हितग्राहियों में दहशत का माहौल बन रहा है। ऐसे आमजनों में चर्चा का विषय बन गया है। ये क्या है, मतलब ना कल खाना बनाने के लिए ना चावल साफ कर रही थी घर में, वो में क्या है थोड़ा सा लाइट में कि कांच है करके चमकदार है, तो कांच है करके ना देखी तो उसमें तो लाइट की जरूरत है। उसके बाद फिर दांत अपने दबा करके देखी ना तो वो प्लास्टिक, उसमें बाद में फिर मतलब ना आग में मतलब जला करके देखे हम लोग मैच बॉक्स में मैचिस में, तो वो क्या है मतलब पिघल गया वो। मेरे ये वीरेंद्र मेरा दोस्त है, मेरे बताया कि प्लास्टिक का चावल है देखने का इधर आओ करके गोदाम में, तो मैं बोला ठीक है चलाता हूँ करके। वहाँ देखा जला के देखे प्लास्टिक है, जल रहा है ये चावल तो, ये दीवार नहीं जल रहा जो ओरिजिनल है वो, ऐसा करके तो कहाँ चावल बोले तो घर में, घर में मेरे बताया ठीक है मैं बुला दिखलाओ करके, तो मैं तो आपको बुला फिर। ये चावल की जानकारी में इसके मम्मी आए गोदाम में, खाद गोदाम गुंडरदेही में, तो बताया कि ये चावल सोसाइटी में ले जाके दिखाना करके, तो लोग देखे उनको चावल को, उसका सैंपल भी रखा। सैंपल रखने के बाद उन दोनों चावल को चबाक देखा, चबाक देने पे ये अपने जो ओरिजिनल चावल है वो टुकड़े में हो गया, और ये टुकड़ा जरूर हुआ लेकिन चिपक गया। वितरण के लिए हो रहा है चावल वितरण, हम लोग चावल लेने आए थे। एक भाई हैं वीरेंद्र के, उन्होंने एक चावल की बोरी लाई और उनका शिकायत ये था कि चावल के बोरी में प्लास्टिक चावल का मात्रा जो है मिलावट है उसमें, और देखने के बाद लोगों ने उसे चबा कर देखा और लोगों ने बताया कि चबाने के बाद चावल जो है पूरी तरीके से पिस जाता है। ये जो कस्टमर जो चावल लेगा ना एक तारीख को, उसमें शिकायत है कि ये प्लास्टिक चावल मिल गए, तो कस्टमर से चावल मंगाए लिए गए हैं और इसको सैंपल के लिए खाद्य भाग दिया जाएगा और सर को आगाह कर दिया जाएगा इसके बारे में कि वास्तविक स्थिति में चावल प्लास्टिक है कि वास्तविक में चावल खाने योग्य। इसके बाद इसको अभी चावल को रोक दिया।